सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस रामपुर बुशहर में सोमवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लुहरी परियोजना प्रमुख आरएल नेगी ने की, जबकि शहर के कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। संस्कृति के विभिन्न रंगों को दर्शाते हुए कार्यक्रम पेश करने के साथ ही फैशन शो का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्य अतिथि ने स्कूल के मेधावियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सिग्मा स्कूल के सीएमडी अतुल टंडन ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सभी युवाओं से नशे से दूर रहने का आग्रह किया।
किसी भी स्कूल के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। बच्चों ने पूरा साल मेहनत की होती है, टीचर्स ने पूरा साल बहुत एफर्ट किया होता है। उसका जो पारितोषिक वितरण समारोह जो रहता है वो सभी बच्चों के लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है, साथ ही साथ गर्व का विषय होता है हम सब अध्यापकों के लिए भी। तो इसकी जो तैयारी है वो हमने करीब करीब पिछले 10 दिनों से की थी और प्रोग्राम आपके सामने ही है। बच्चों ने बहुत सी तैयारी की है सभी टीचर्स की हेल्प के साथ। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो जो मैं समझता हूँ आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें ये रहता है कि बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान दें पूरा पूरा, क्योंकि और दूसरा नशे से दूर रहें, मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों का सत्यानाश कर रही है। पेरेंट्स से ये अनुरोध है जितना वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रख पाए उतना रखें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही प्लस टू के एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनल बोर्ड्स के, 10th के फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं। मेरी सभी स्कूल के सभी बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।